Slim and trim, just like your father. Thank you, Mom. तुम्हारे नहाने का पानी तैयार है, बेटे. मम्मी आपकी नजर तो जादू की छड़ी है. जिधर घुमाओ, चीज हाजिर. चलो जल्दी से नहा लो. आज मुझे दफ्तर जल्दी जाना है. Your order, Mom. अभी क्या? और अभी आया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है. कितना हुनर बेटा दिया है तूने मुझे. ये लो पैसे. हाँ सरिता, हम लेट तो नहीं हुए ना? प्रकाश, देख वो तेरी नीना आ रही है. साली सपने में तो रोज आती है, लेकिन आज हकीकत में इसको पटा कर ही छोड़ूंगा. आज हिम्मत करके जलवा दिखाई दे तू. हाँ प्रकाश, हाँ आज इसका हाथ पकड़ ही ले, जो होगा देखा जाएगा. हम लोग है ना. हाय हाय हाय, क्या हिरनी जैसी मस्त चाल है. तारीफ उस खुदा की जिसने नीना को मेरे लिए बनाया. लातों की भूख, बातों से नहीं मानते. नीना माय लव, मैं अभी जाके तुम्हारी शिकायत करती हूँ प्रिंसिपल साहब से. नीना, अरे लल्लू झापड़ खा लिया तो कम से हाथ ही पकड़ लेता. जोर से मारा. लेकिन प्यार से मारा. अरे लो, अपना हीरो भी आ गया. गुरु, यहाँ यहाँ अश्विन कहाँ है तू? हाय 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 अश्विन, हाउ आर यू? ठीक हो यार अश्विन? आज छुट्टियों के बाद कॉलेज का क्या उद्घाटन हुआ है? नीना ने कसके क्या करारा तमाचा दिया प्रकाश को. देखो देखो, ये अच्छे दोस्त साले गले पर नमक छिड़कते हैं. चलो चलो, एक लड़के के लिए आपस में लड़ते हो. क्लास का टाइम हो गया. चलो चलो जल्दी चलो यार, जल्दी चलो. घंटी बज गई यार. मैंने भी सुना जल्दी चल कर रहा, लेकिन क्या झापट मारा है. अरे छोड़ यार, काहे को नाटक कर रहा है. मेरी पूजा की अपना हीरो अपने इश्क को अपने सीने में दबाकर अपनी दुनिया से रुखसत हो जाएगा. क्यों बदवाई दे रहा है यार? अबे बदवाई नहीं दे रहा, सच कह रहा है. जब तक तू पूजा से अपने प्यार का इजहार करेगा नहीं, तब तक उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि तू उसे प्यार करता है? करेक्ट. और सिर्फ देखते रहने से प्यार थोड़ी होता है. अरे अश्विन, पूजा को पता है तू उसे प्यार करता है? अब तक तो नहीं, बस मौका चाहिए. लीजिए, अबे मौका कभी मुफ्त में नहीं मिलता. हाँ. मौका ढूंढना पड़ता है, ढूंढना. उसके लिए जिगरा चाहिए मेरी तरह. तू एक काम कर, तू आज पूजा से मिल, उसका हाथ अपने हाथ में ले, उसे करीब ला, उसकी आंखों में आके डाल और कह दे, पूजा आई लव यू, आई वांट टू प्ले कबड्डी विद यू. और तमाचा खा ले. शट अप. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग दुबे जी.
आप ये फाइलें रख लीजिए। जी मैंने इन्हें स्टडी कर लिया है। अच्छा जी। वैसे दूबी जी अपना टारगेट तो पूरा हो जाएगा ना? नहीं, नहीं हो जाएगा। आपने जो टारगेट दिया था हाँ। उससे भी अच्छा काम हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वेरी गुड, एक्सलेंट। हेलो मॉम। हाय बेटा। मॉम एक बात पूछूं आपसे? पूछो। हम सिर्फ इस घर में दो ही मेंबर हैं। मेरे मन में बार बार एक सवाल उठता है। वो क्या? मामा हमारी थोड़ी सी जरूरतें हैं, फिर हम इतनी सारी दौलत का क्या करेंगे? जरूरतें थोड़ी हो या ज्यादा, उन्हें पूरा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। लेकिन इतना नहीं मॉम कि दिन रात की नींद हराम हो जाए। मैंने आज तक कभी आपको आराम और चैन की नींद सोते हुए नहीं देखा मॉम। बेटा, दौलत सिर्फ जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं कमाई जाती। दौलत का मतलब है पावर। रुपए में बहुत शक्ति है बेटा। मॉम, मेरे पास इस वक्त आपके तर्क का जवाब नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सुख और शांति से जीने के लिए इतनी सारी दौलत का होना जरूरी तो नहीं। अब अपने ही तर्क का जवाब मैं तुम्हें दे रही हूं। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, जिंदगी में जो भी काम करोगे उसमें अव्वल नंबर रहोगे। ये बात मैंने तुम्हारे पिताजी से सीखी थी और आज वही शिक्षा मैं तुम्हें दे रही हूं। I won't let you down. Thank you, son. Good night. Good night. I'm sorry, मैडम, मिस्टर खटपटिया को मैं समझा नहीं सका। Don't worry, दुबे जी। सक्सेस और फेलियर जिंदगी के दो पहलू हैं। इंसान की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि जैसी ही समस्या खड़ी हो जाती है वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है और समस्याएं बढ़ती जाती है। वरना ऐसी कोई समस्या नहीं जो इंसान के दिमाग से बढ़कर हो और जिसका हल वो खुद न ढूंढ सके। आप सच कह रही हैं मालकिन। ये मिस्टर खटपटिया की कंपनी सीमेंट के अलावा और कौन सी चीजें हमारे मुकाबले में बनाती है? फेसियल क्रीम, हेयर ऑयल, साबुन और खाने का तेल, और इसके अलावा खाने पीने की चीजें। ठीक है, उन सब के दाम 50 पैसे गिरा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। ओके। आज शाम को आओगे ना? बबिया, तू बबिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉयज। सिट डाउन, सिट डाउन। इससे पहले कि हम आज के सब्जेक्ट पे आए, मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। इस साल वेकेशनल टूर पे हम लोग कुड़ाई किनाल जा रहे हैं और डिबेट के तौर पे हुस्न और इश्क में मुकाबला होगा। जाहिर है लड़के इश्क की तरफ होंगे और लड़कियां हुस्न की तरफ। लेकिन सर, अगर कोई लड़का हुस्न पे बोलना चाहे तो? कोई बंदिश नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सर सर, लेकिन ये हुस्न और इश्क क्यों, कोई दूसरा टॉपिक क्यों नहीं, जैसे स्मगलिंग? प्लीज सिट डाउन। यही तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों की
हुस्न और इश्क के बारे में क्या थिंकिंग है? हुस्न खुदा है और इश्क इबादत। सर आप इस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? बैठो अपने अपने किताबें खोलो। 500 बैग्स, ओके सर, कल पहुंच जाएंगे। सर सर गजब हो गया। सूथियो ओब्राय एंड कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के दाम 50-50 पैसे गिरा दिए हैं। क्या मैडम सविता पागल हो गई है? हेलो हेलो यस मैं खटपटिया उन्हीं से खटपटिया बोलिए। मैडम ये क्या किया आपने? क्यों क्या हुआ? आप कुछ घबराए हुए लग रहे? आपने अपने तमाम होम प्रोडक्ट्स के दाम गिरा दिए हैं? यस मिस्टर खटपटिया मेरी मर्जी। लेकिन इससे तो हम दोनों की कंपनियां तबाह हो जाएंगी। आप सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचिए। हमने आपसे 50 पैसे सीमेंट के दाम बढ़ाने की बात की थी, 4 पैसे कमाने की बात की थी, घाटा उठाने की नहीं। अच्छा मैडम मैं प्राइस बढ़ाने को तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर खटपटिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बंद कर दिया माँ? कुछ नहीं बेटा। बहुत सुंदर धुन थी माँ। किस कविता की धुन थी माँ? कवि पुरुष सुंदरलाल, वहां शेल्फ पर उनकी किताबें हैं, जाओ देखो। ओके। ये लो माँ। इसी किताब के जरिए मैं तुम्हारे पिताजी से मिली थी, जरूर पढ़ो इसे। मॉम ये महान कवि इसी शहर में रहते हैं क्या? पता नहीं बेटा, अब ये महान कवि इस दुनिया में है भी या नहीं। पूरा सुंदरलाल, 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 पूरा सुंदरलाल। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते हो? मैं तुम्हारे शरीर का एक अटूट अंग हूं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं जिसे तुम काट कर फेंक देने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी को नहीं पहचानता, मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं और उसके साथ मेरी आत्मा भी मर चुकी है। आत्मा कभी नहीं मरती पूरा सुंदरलाल, वो अजर है, अमर है, तुम्हारे अंदर का कभी अभी जिंदा है। तुम्हारी मुक्ति का केवल एक ही रास्ता है, कविता, कविता, कविता। ये सिर्फ कविता है जो मुझे इस उदासीनता के अंधेरे में डूबने से बचा सकती है, जो मुझे इस अंधेरे से निकाल सकती है। बिल्कुल पूरा सुंदरलाल। कोई नई कविता लिखी आज? नहीं, तुम सामने नहीं होते हो ना तो कुछ लिखने का मन ही नहीं करता, प्रेरणा ही नहीं मिलती। क्या करूं, सारा दिन स्कूल में गुजर जाता है और फिर 6-6 ट्यूशंस। मैं समझ सकता हूं, वक्त ने कितना बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। गृहस्थी का जो बोझ मुझे उठाना चाहिए था वो तुम्हें उठाना पड़ रहा है। दुनिया के लिए मर चुका हूं ना। ऐसा ना कहो, जरा हिम्मत करके इस घर से बाहर तो निकलो। कितना यश, कितनी कीर्ति है आपके नाम की। लोग जब मुझे मिसेस पोरस सुंदरलाल कहकर पुकारते हैं तो मुझे तो बहुत फक्र होता है। सदा, अगर तुम मेरी धर्म पत्नी ना होती तो मेरा जीवन न जाने किन दिशाओं में बिखर गया होता।
पूजा नहीं आई अभी तक? पूजा? पूजा रिहर्सल कर रही है, उसके कॉलेज में पोएट्री की कॉम्पिटिशन है। हुस्न और इश्क पर कोई अच्छी सी कविता लिख कर दीजिए ना उसको, और याद रहे जीत हुस्न की ही होनी चाहिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारी तरह आज तक इश्क हुस्न से कब जीता है? चिंटू कहाँ है, अभी तक नहीं आया? आता ही होगा। हम आ गए अम्मी जान। लो आ गए। मुगले आजम के सलीम हम हैं। अच्छा? अनारकली से मोहब्बत हमने की थी, लेकिन शहंशाह अकबर ने हमें बागी करार दिया और अनारकली को जिंदा दीवारों में छुपवा दिया। लेकिन अम्मी जान, अनारकली उस वक्त भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। और आगे का डायलॉग भूल गया। अच्छा आ? मैं अभी बताती हूँ। माफ कीजिए माफ कीजिए। चलो मेरे साथ नौटंकी वाली, ये क्या हाल बना रखा है। मीना मैंने कहा उधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो जी। वाओ ब्यूटीफुल। देख देख बाहर देख, कितना अच्छा सीन है देख। हाँ कितना अच्छा नजारा है, ब्यूटीफुल। देखो देखो कोड़े कनाल आ गया। अरे आ गया कोड़े कनाल। अरे रे तुम चाय की दुकान, गर्मा गर्म चाय पी ले वरना ठंड में मेरी कुल्फी जम जाएगी। पूजा कितनी अच्छी जगह है ना, उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर कहीं मुझे थप्पड़ मार दिया तो। अरे जा शेर मेरे, डरता क्यों है, जा जाओ जाना। हाँ यार जा जाना। अरे मैं हूँ ना यहाँ, जा जा जा। नीना अश्विन बोल मटोल, दोस्त को समझा दे कि मेरे साथ छेड़खानी करना बंद कर दे, वरना जूते से इसकी ऐसी हजामत करूंगी ना कि जिंदगी भर इसको नाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबड्डी 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 कबड्डी। नीना जी काश मुझे पता होता कि आपको फुटबॉल खेलने का शौक है तो मैं फुटबॉल का चैंपियन बन जाता। मैंने खामा खा कबड्डी सीख ली, आप मुझे सिर्फ एक गोल करने का मौका दीजिए, सिर्फ एक। मैं फुटबॉल खेलना भी जानती हूँ और खिलाना भी, समझे? डियर स्टूडेंट्स, कोडाई कनाल को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि पिछले दो दिनों में आपने यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ लिया होगा। ओह यस, लिया है, लिया है, लिया है, लिया है, बहुत। हर साल की तरह इस साल भी हमने आउटडोर में एक कंपटीशन रखा है। आज का टॉपिक है हुस्न और इश्क। अब देखना है इस साल जीत किसकी होती है। वैसे इश्क तैयार हो जाए, हुस्न बड़े अंदाज से आ जाए। आईने में अपनी शक्लें देखी हैं लड़कियों ने, हमसे कंपटीशन जीतना कोई कैडबरी की चॉकलेट खाना नहीं है प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब, इन बेशर्मों से पूछिए कि झील में गोता लगाकर आए हैं कि नहीं, वरना हारने के बाद इन्हें डूब के मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। घर दो भी बातें नहीं, अब हम कंपटीशन शुरू करते हैं। शुरुआत किस सबसे होगी? बॉयज फर्स्ट। गर्ल्स फर्स्ट। मिस नीना अग्रवाल आइए 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 जी आइए। हाँ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा डड्डू। नहीं नहीं नहीं, लड्डू लड्डू। कपड़े तुंडी नू अख मार गए डड्डू। मैंने मारी थी। नीना बैठ जाओ, अब आपके सामने हमारे कॉलेज के नहायत दिलचस्प नौजवान। बॉयज एंड माय डियर गर्ल्स, once while playing football Shakespeare said to his referee that referee I love kabaddi 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 kabaddi, but referee said in kabaddi you can't score any goals, but Shakespeare said no referee, the goal of my life is kabaddi, I want to play kabaddi 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 kabaddi। Mr. Prakash, shayad aap bhool rahe hain ki aaj ka mauzu husn aur ishq hai, aur waise bhi aap english mein farma rahe hain। मैं बस की बात, हमने तुझको देखा
एंगल बदल बदल क्या बात है। हमने तुझको देखा एंगल बदल बदल के और तुमने मुझको मारा सैंडल बदल बदल के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने तुझको चाहा था अबला समझ के और तेरे बाप ने मुझको पीटा तबला समझ के। जीत के भी सोया हुआ है, एक एक को देखता हूं। एक तो नीना होगी, मैं आ रहा हूं, यहां से शुरू करूंगा, यहां से। सड़ी हुई मीना है, गली हुई टीना है, गली हुई मीना है। अरे मुंडी घुमा, मुंडी घुमा, तेरा नाम ही नहीं मालूम। हुई सबीना है, अरे यार मेरी नीना किस कमल के नीचे है, अभी टीला शॉर बाकी है। पकड़ी सी मरीना है, पूजा सब लाशें देख ली, अब तो एक ही बाकी है। ये लड़की कौन है, हो ना हो यही मेरी नीना है। तेरी गालों पे जुल्फे तुझे हटा के जल्दी से पप्पी ले लूं। गोरखा, गोरखा, मुझे गोरखा बोला, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर वर्मा हूँ। पहले मुझे फिर तेरे में आ जाओ। अरे अश्विन, ऐसे चलना यार, तू तो घोड़े की रफ्तार से चल रहा है, हम लोग कोई रेस में थोड़ी जा रहे हैं। वो तो जाएगा यार, उसके सर पे पूजा का भूत जो सवार है।
ये बात है तो मेरे सर पे नीना का भूत सवार है। अगर ये पूजा की पूजा करता है तो मैंने भी नीना की नींदे हराम कर रखी है। इस रेस में मेरा घोड़ा फंस जाएगा। मैं फंस जाऊंगा ये घोड़ा। आ जा मोटर। क्या हुआ? क्या हुआ बोलना? मैं टूट गया भाई। अपने बस की बात नहीं है। पूजा चलो उठ बैठ नटंकी खड़ा हो जा। चलो नहीं तू जा भाई तू जा। चल पड़ा रहा यहीं पे मैं तो चला। चलो भाई अरे ऐसा लगता है लोग थक गए। चलो अरे बहुत कुछ देखना भाई। चलो आराम से समझ गए। अच्छा भैया अगर थक गए हैं तो आराम करो। यस पूजा। वो नीचे देखो कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है। रियली इट्स ब्यूटीफुल। वाकई बहुत सुंदर फूल है। मुझे तोड़कर ला दो ना प्लीज। लेकिन ये तो बहुत नीचे है। अच्छा देने दो। डोंट वरी मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं लाने की कोशिश करता हूँ। संभल कर जाना। क्या हुआ? बचा सुबिन को। बचा डरना नहीं मैं आ रहा हूँ। ठहर जा तू। ठहर जा तू। अश्विन प्लीज खींचो थोड़ा सा और पकड़ ले। हाँ अश्विन हाँ ठीक हाँ ये लो पूजा। थैंक्स थैंक यू सो मच अश्विन। थैंक यू स्टार्स फेरी। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। हाँ चलिए मैं पट्टी बांध देती हूँ। ओके देखा अब खून बंद हो गया ना। हाँ दर्द भी होता होगा। जब तीमारदार मौजूद हो तो दर्द का एहसास कहाँ होता है। वैसे मैं ही कसूरवार हूँ। मेरे कहने पर ही जुबिन फूल तोड़ने गया था। फूल तो क्या अगर तुम कहती तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला देता। पूजा क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि किसी की नजरें हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहती हैं। जानती हूँ। ऐसा क्यों? ये प्यार है पूजा प्यार। तुम्हारी सादगी तुम्हारे भोलेपन ने मुझे दीवाना बना दिया है। आई लव यू पूजा। पूजा आई लव यू। पूजा हाय हाय मैं मर गया यार। अश्विन ने पूजा के चक्कर में हम सबको मरवा दिया। ये हैकिंग करते हुए इतना ऊंचा हिमालय पर्वत चढ़ने की क्या जरूरत थी यार। आए ओ भाई ओ मोटे मेरी दबाना यार। तू अपनी को दबा रहा है। मेरी दबा शाबाश दबा बेटे। जरा नीचे की तरफ दबा नीचे की तरफ। और तू जरा ऊपर की तरफ। इतना ऊपर नहीं यार। क्या करता है इतना ऊपर नहीं। जा साला फोकट का ड्रामा करता है। क्यों? अरे जा यार तू इसकी नीना को बुला ला। वो इसके सारे दर्द दूर करेगी। आली पीली का तंग करता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे प्रेम रोग की दवा सिर्फ नीना है। कोई जाए और मेरी नीना को बुलाकर लाए। हाय भाड़ में जाए तू और तेरी नीना। चलो यार सोते हैं। बेवफा दोस्त नीना। Yeah.
इतनी रात गए यहाँ? नींद नहीं आ रही है। मेरे पास नींद की गोलियां नहीं है, किसी डॉक्टर के पास गए होते तो। मेरी डॉक्टर तो तुम हो पूजा, तुम्हारी गोद में सर रखूंगा, पलक झपकते नींद आ जाएगी। आई लव यू पूजा। बेशर्म पूजा, पूजा, पूजा। अच्छा पूजा, तुम मुझे दिल का डेफिनेशन बता सकती हो? हाँ क्यों नहीं, धड़कने वाली चीज को दिल कहते हैं। करेक्ट, फुल मार्क्स। अच्छा प्यार भरे दिल का डेफिनेशन बता सकती हो? ये तो मैं नहीं जानती। अब तुम अपना हाथ इधर रखो, कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ वही धड़कन। चलो हटो। दिल। Thank you.
इकरार कर ले बस आरज़ू है यही तू पास आई दिल में समाई क्यों दूर फिर भी रही रही थी कि सुहाने दिन हमारी जिंदगी में पहाड़ के झोंके की तरह आए और चले गए। समझा? अरे पगली, वैकेशन खत्म हुए हैं, हमारे रिलेशन नहीं। जिस तरह हम यहाँ साथ हैं, वापस जाकर भी वैसे ही साथ होंगे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। नहीं पूजा, ये तो शुरुआत है, अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़ना बाकी है। हम फिर यहाँ आएंगे और जब जब हम यहाँ आएंगे तब तब ये वादियाँ, ये आसमान से बातें करते पहाड़ हमारे प्यार की गवाही देंगे। कैसे? पूजा, अश्विन, पूजा, अश्विन, पूजा। दुबे जी, जी ये दवाइयाँ दिन में 3 बार, ठीक है, सुबह शाम और रात को, ठीक है, और हाँ साथ में 1 दिन का कंप्लीट रेस्ट। जी आप आराम कीजिए। दुबे जी ये डॉक्टर, ये क्या? खाली चेकअप के लिए बुलाया था, वैसे घबराने की कोई बात नहीं। जा। हाय मॉम। हाय बेटा, हाउ इज योर ट्रिप? ब्यूटीफुल मॉम, इतनी सारी बातें हैं कि मुझे पूरी आपकी एक शाम चाहिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मॉम। पिताजी आज गली में फिर से नाटक है और मैंने सब डायलॉग याद कर लिए। अच्छा, जरा हम भी तो सुने भाई। सिकंदर ने पोरस से कहा, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने शान से सीना तान कर कहा, जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। अरे वाह, तू एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। दीदी नाश्ता। ये बकबक बाद में करना, आप फौरन नाश्ता करो और सीधे स्कूल पहुंचो। पापा आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, बस इतना काम करती है तू, जिस घर भी जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे पूजा, तूने बताया नहीं खुलकर कि पिकनिक में और क्या क्या हुआ? आपकी बेटी कंपटीशन जीत गई है
अच्छा और भी बहुत कुछ हुआ, शाम को फुर्सत से सब कुछ बताऊंगी। हाँ। कॉलेज जाने में देर हो रही है पापा। बाय पापा। लगता है इन लोगों का सॉलिड रोमांस चल रहा है। अरे सॉलिड चल रहा है दोनों का सॉलिड। अबे इनका हुआ अब मेरा कब होगा, होगा गुरु होगा, इनका हुआ अब मेरा कब होगा, तेरा हुआ मेरा कब होगा क्या? अच्छा अश्विन मैं चलती हूँ। ओके बाय। तेरा हुआ मेरा कब होगा, वो देख आगे तेरी झांसी की रानी। हाय मेरी जान। अरे यहाँ से हाय है क्या कर रहा है, जा आगे सीना तन के खड़ा हो जा। लेकिन अगर उसने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया तो? बच्चू ये इश्क है, जब वोखली में से डाल ही दिया तो मुसल से क्या डरना। जा मेरे मिट्टी के शेर, जा खा जागे। जाऊं? हाँ जा जाऊं? जा ना जा। बदतमीजी नहीं ये कबड्डी है, जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कबड्डी कैसे खेलूंगा, जाने नहीं दूंगा कबड्डी। अच्छा ये लो पकड़ो। आए मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दिया रे, मर गया साला मोटू। हाथ टूटने का नाटक कर रहा है कब से, ड्रामा करता है साला। पूजा तुमने पापा से मेरे और अपने बारे में बात की क्या? नहीं अभी नहीं। और तुमने? अभी तक तो हिम्मत जुटा रहा हूँ। इतनी सी बात कहने के लिए हिम्मत जुटा रहे हो और वो भी मम्मी से? तुम प्यार को इतनी सी बात समझती हो? अरे बाबा मम्मी से बात करने से पहले हर लफ्ज को नाप तोल के कहना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मूड को देखना पड़ता है। हमें तो पापा को कुछ भी बताने से पहले उनका मूड देखना नहीं पड़ता। मेरी मम्मी और तुम्हारे पापा में यही फर्क है, समझी? नहीं। अरे बाबा जब तुम इस घर में बहू बन के आओगी ना तब सब कुछ समझ जाओगे। चल घर चले आओ आओ। अरे यार डब्बा आज मेरी नीना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। क्यों खैरी तो है? नहीं यार आज शनिवार है ना, हाफ डे। हाँ। तो मैं एक सेक्सी सिनेमा के दो टिकट ले आया था। हाँ। ये देख ये रहे दो टिकट। तो चल आज तुझे कंपनी में दे देता हूँ। अबे तेरे साथ जाकर मुझे क्या मिलेगा? क्या और नहीं तो क्या, मैं सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मटन खाने नहीं। नीना नहीं तो रीना चलेगी, रीना नहीं तो मीना चलेगी, लेकिन तू मेरे साथ हरगिज नहीं चलेगा। आज तेरे साथ कोई जाने वाली नहीं। क्यों भाई? लड़कियां सब साइकिलिंग पे गई है। ओ, ये तो और भी अच्छा है, फिर इसका यहाँ पर क्या काम। चलो कहीं जाकर छुपके भटकती झूलती साइकिल चलाती जवानियां देखते। चलो 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 चलो। Thank you.
गाड़ी है, छोड़ आता हूँ। और अगर मम्मी या पापा ने देख लिया ना तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों? तुम्हारे मम्मी डैडी इतने पुराने ख्याल के हैं? इतने पुराने ख्याल के तो नहीं। कल का क्या प्रोग्राम है? मतलब भाई कल तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ मिठाई उठाई नहीं खिलाओगी? मेरे जन्मदिन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई आशिक है, माशूक की हर बात की खबर रखते हैं। अच्छा, अगर आशिक है तो प्रोग्राम भी आप ही बनाइए। ओके, तो फिर हम आपको लेने आएंगे। ओके चलो। दिस वे। अरे और कोई नहीं है? तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, प्लीज। थैंक यू। क्या लोगी? थम्स अप। ओके वेरा। यस सर। टू थम्स अप। आई ऑर्डर द लंच लेटर। ओके सर। बता सकती हो इस डिब्बे में क्या है? तो मान जाओ। नहीं बता सकती। खोल कर देख लो। पूजा, ये बर्थडे प्रेजेंट है, पहन लो। पूजा, पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा, क्या हुआ? पूजा, पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा, इस तरह अचानक वहां से चले क्यों आई? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है अश्विन। ठीक है, यहां बैठो और बोलो क्या बात है। तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर वाले कौन हैं, ये तुम नहीं जानते। जानता तो नहीं पर जान जाऊंगा, लेकिन आज तुम... आज तुम सिर्फ मेरी सुनो और मुझे बोलने दो। ठीक है, कहो।
अश्विन, तुम अपनी माँ की इकलौती संतान हो। तुम्हारी माँ की तुमसे बहुत सी आशाएं बंधी हुई हैं। हर मेरा एक अपाहिज बाप है, एक माँ जो एक स्कूल टीचर है। तुम्हें जिंदगी में कल मुझसे भी हसीन हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं टूटा हुआ दिल लेकर मर जाऊंगी। मेरे साथ साथ मेरी गृहस्थी भी मर जाएगी। इसलिए इस बात को आज यही खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। पूजा, मेरा गरीब हाथ इस कीमती अंगूठी के योग्य नहीं है अश्विन। I'm sorry. पूजा, अश्विन। यस मॉम। कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मॉम। ये उम्र ही ऐसी होती है बेटा, लेकिन हमने आपकी तन्हाई का इलाज सोच लिया है। मेरी तन्हाई का इलाज? मेरी एक स्वर्गवासी सहेली की इकलौती बेटी अपने डैडी के साथ अमेरिका से यहाँ सेटल होने आ रही है, और वो दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ठहरेंगे। मॉम प्लीज, नॉट टुनाइट, आई एम फीलिंग स्लीपी। सुनिए, दूध ले बका? नहीं नहीं, दूध नहीं। तब का गैया चाहिए? नहीं नहीं, हमें एक लड़की का पता चाहिए। अच्छा, अब तू का हमरा के डकिया समझे हो? हाँ, बाकी ई मोहल्ले के सबका अता पता हमका मालूम है, बाकी तोहरे की चाहिए? पूजा देवी कहाँ रहती है? ओ पूजा, अरे हाँ हाँ, वो सुंदर सी लड़की जेके बड़ा बड़ा बाल है, जो कॉलेज में पढ़ती है। वो देखो, वो देखो, वंदनवाड़ी है ना, वे में रहती है। धन्यवाद बहन जी। ठीक है ठीक है। हाँ, कोई इज्जत का मारा लागत है। पूजा, पूजा। हाँ माँ। मैं अभी बाजार जाके आती हूँ, तुम इससे होमवर्क करवा लेना, समझे आप? हाँ। चलो। गिर गए। आपका नाम मिस्टर? मिस्टर नहीं, मास्टर चिंटू। मुझे अश्विन कहते हैं, वी आर फ्रेंड्स। ओके ओके, आइए। चलिए। यंग मैन, आपकी तारीफ। सर, मुझे अश्विन ओबेरॉय कहते हैं। और मुझे पोरस सुंदरलाल कहते हैं। वेलकम टू दिस हाउस। थैंक्स। बैठे बैठे। सर, कहीं आप वही महान कवि पोरस सुंदरलाल तो नहीं है? जी हाँ, बदकिस्मती से मैं वही पोरस सुंदरलाल हूँ जो दुनिया के लिए मर चुका है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और मुझे भी, बाद में। पूजा बेटी। जी पापा। हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए तैयार नहीं करोगी? जी अभी लाई। हाँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी चाय भिजवा देना। जरूर। हाँ तो जरूरी बात। बाबूजी, माँ जी, आप पूजा को भी खाने के लिए बुला लीजिए ना। बेटे, जब मेहमान लोग टेबल पर मौजूद हों तो हमारे घर की औरतें खाने में शामिल नहीं होती। आप अभी तक मुझे मेहमान समझ रहे हैं? तो अभी तक तो तुम मेहमान हो ही। ये लो अश्विन, गरम गरम रोटियां। ये आप लीजिए। ये मलाई कोफ्ता आपने बनाया माँ जी? नहीं बेटे, पूजा ने बनाया है। अच्छा लगा ना? अरे, तू क्यों ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी है? और रोटियां नहीं बनानी है क्या? और क्या करूँ माँ, आटा तो खत्म हो चुका है। फुक्कड़ कहीं का, अब तक तो 15 रोटियां खा चुका है, खाना बंद करने का नाम ही नहीं लेता। चुप। तो तू क्या घर आए हुए मेहमान को यूं ही भूखा लौटाएगी? इसमें आटा है, ये ले, चल और रोटियां बना ले। चल। बाबा बाबा, दीदी फिर से आटा गूंद रही है और कह रही है अकेले 15 रोटी खा गया, भुक्कड़ कहीं का। तुम्हारी दीदी ठीक कहते चिंटू मास्टर। बदमाश कहीं का, मेहमानों की रोटियां गिनते हैं क्या? चल भाग। तुम खा बेटा खा। वो सच कह रही है सर,
मैंने जरूर 15 रोटियां खाई होंगी। वैसे आज तक मैंने रोटियां खाई कहां है? मैं तो सोने चांदी के निवाले खाता रहा हूं। जानती हो पूजा, अगर मेरी मॉम को पता चल जाए कि महान कवि पोरा सुंदरलाल जिंदा है तो खुशी मारे पागल हो जाएंगी। वो तुम्हारे डैडी की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा? हाँ, लेकिन ये बात मैं उन्हें अभी नहीं बताऊंगा। आई वांट टू गिव हर अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर उसके बाद वो इस रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकती। Isn't it a beautiful sunset? हाँ वाकई, हम यहाँ से डूबते हुए सूरज को भी देखेंगे और उगते हुए चांद को भी। पूजा बेटी,
अरे बाप रे, चले चलो। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं बाबूजी कि मैं पूजा से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं बाबूजी। मुझे तुम्हारे प्यार और शादी करने के नेक इरादे पर कोई शक नहीं है अश्विन, लेकिन मेरे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी को रखोगे कैसे? शहजादियों की तरह बाबूजी, दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में लाकर रख दूंगा। ये बेशुमार दौलत, ये फैक्ट्रीज, ये जमीन, ये जायदाद, क्या ये सब तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है। तुम्हारी नहीं है बरखुरदार, उस घर में जन्म लेने के नाते सिर्फ तुम्हारा नाम उस दौलत से जुड़ा हुआ है। क्या? अगर धन का ये संबल तुमसे छीन लिया जाए और एक मामूली आदमी की तरह तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया जाए तो अपने जीवन का, अपनी खुशियों का रास्ता निकालने के लिए क्या करोगे तुम? नौकरी करोगे, मजदूरी करोगे? नहीं बाबूजी, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा। लेकिन जिस वक्त तुम अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे होगे, यही दौलत एक दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक करोड़पति औरत एक कवि की बहुत बड़ी फैन तो हो सकती है, लेकिन दुनिया में ये मिसाल कभी नहीं सुनी कि एक गरीब कवि की बेटी एक करोड़पति औरत के घर बहू बनकर गई हो। बाबूजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पूजा को पाने के लिए दौलत की दीवार तो क्या, मैं दुनिया की हर मुश्किल को तोड़ के रख दूंगा। पापा। आओ बेटी। पापा आपकी दवाई। सर आप लोगों के बीच समय का पता ही नहीं चला, 10:30 बज गया, अब आ गया दीजिए। पूजा बेटी। जी पापा। अश्विन को बाहर तक छोड़ा। जी पूजा। एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपनेपन का इतना एहसास जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली बार लगा कि मैं अपने लोगों के बीच अपने ही घर में बैठा हूं। क्यों, आज तक तुम अपने घर में नहीं रहते थे क्या? रहता तो था, अगर सोने चांदी की दीवारों को तुम घर कहती हो तो जरूर उस घर में ही रहता था। पूजा, वो घर नहीं है, सिद्धांतों और मर्यादाओं की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जहां बड़े बड़े महान लोग बसते हैं, जिनकी नजरों में छोटी मोटी हस्तियों की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन उस घर में तुम्हारी माता जी भी तो रहती है ना? हाँ, सिद्धांतों और मर्यादाओं का सबसे बड़ा परचम, और मैं हूं उनका इकलौता बेटा। और तुम्हारे पिताजी? मेरे होश संभालने से पहले ही गुजर चुके थे। अश्विन, I'm sorry. लेकिन एक बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे गोद में उठाकर चूमा था और वही आशीर्वाद दिया था जो आज तुम्हारी मां और बाबूजी ने दिया। आई एम बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, यू नो। आज का यह दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मेरी सारी मान्यताएं बदल गई। अच्छा बाबा, अब घर जाएंगे आप? दिल तो नहीं मानता लेकिन मजबूरी है। हाँ, मैं मम्मी को लेकर संडे को जरूर आऊंगा, भूलना नहीं। कितनी बार याद दिलाओगे तुम? ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। सलाम मैम साहब। सलाम, सामान निकालो। जी मैम साहब। आइए पापा। आइए आइए, वेलकम टू इंडिया पुरी साहब। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कितनी बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। 20 साल पुरानी यादें ताजा करा दी। भाभी जी, किरण के गुजर जाने के बाद अब मैं तो लिली को ही देखकर जिंदा हूँ। किरण की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहां उसे माँ की कमी कभी महसूस ना हो। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं मेरी जीते जी इसे ये कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं भी यही आशा लेकर आया हूँ, लेकिन भाभी जी आप तो शुरू से ही मेरी और किरण की शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब शायद आपको मुझसे ये शिकायत नहीं होगी। गिले शिकवे तो होते ही रहते हैं, सही आदमी तो वही होता है जो समय की कसौटी पर पूरी तरह से उतरे। वैसे आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? ईश्वर की कृपा है भाभी जी, बाहर रहकर चाहे इंसान करोड़ों अरबों कमा ले, लेकिन जो सुख जो शांति उसे अपने वतन में, अपने देश में मिलती है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, ये पूरी साहब है और ये उनकी बेटी लिली है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। हेलो सर।
Well, young man, I never expected you to be so handsome. Thank you, sir. Hello. Hi. चलो ऊपर चले. आइए. Hi, Ashwin. Oh, wow. What a lovely room. Music. वॉशिंगटन में हमारी बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है. मेरे बहुत से दोस्त हैं. बहुत फास्ट लाइफ है. दिन रात गाना बजाना डिस्को. यहाँ बॉम्बे में कोई अच्छा डिस्को है क्या? बॉम्बे को तुमने क्या जंगल समझ रखा है? मुझे आज रात डिस्को ले चलोगी डार्लिंग? सॉरी लिली, आज शाम को मुझे मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है. मुझे डिस्को में ले जाने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी है क्या? यस ऑफ कोर्स. स्टूपिड गर्ल. पूरी साहब, एक बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए. कौन सी बात भाभी? संडे के अलावा मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी. वैसे गाड़ी ड्राइवर और दुबी जी आपकी सेवा में है. और रही आपके फ्लैट की बात, उसका ऑफिस ने इंतजाम कर लिया है. आप चलकर देख लीजिए. नो प्रॉब्लम भाभी, मुझे आपकी मसरूफियत का पूरा अंदाजा है. आइए मैडम, आइए. सीताराम, लिली मैम साहब के लिए नाश्ता ले. नहीं आंटी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी. क्यों, आपस में झगड़ा हुआ है क्या? ओ डैड, लेट्स गो बैक टू अमेरिका. यहाँ मैं अपने दिन कैसे गुजारूंगी? बिल्कुल बोर हो जाऊंगी. बोर हो जाओगी? वो कैसे बेटे, बंबई तो बड़ा खूबसूरत और रंगीन शहर है. अश्विन के साथ घूमो फिरो, क्लब जाओ. लेकिन अश्विन तो मुझे डिस्को तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है पापा. गुड मॉर्निंग मॉम. गुड मॉर्निंग बेटे. ये लिली तुम्हारी क्या शिकायत कर रही है? मेरी शिकायत? कहती है तुम उसे डिस्को तक नहीं ले जाना चाहते. ओ, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मेरा वहां जाना जरूरी है. दोस्त को एक बुके भेज देना, लेकिन आज लिली को जरूर बाहर ले जाना. आफ्टर ऑल ये हमारी मेहमान है. यू मस्ट शो हर अराउंड. मॉम, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, ये भी मेरे साथ चल सकती है? नो आई वोंट. वहां तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर हू हू हा हा करते रहोगे और मैं फिर अकेली की अकेली. इससे तो अच्छा है मैं घर पर ही बैठी रहूं. झगड़ा और जिद प्यार की पहली निशानी होते हैं बेटे. तुम्हें याद है ना भाभी, जब किरण जिद पर आती थी तो किसको झुकना पड़ता था? इस गुलाम को. लेकिन अंकल, इसमें झुकने और झुकाने की क्या बात है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया. बेटे, आज तुम लिली की जिद मान लो, कल वो तुम्हारी मान लेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके मॉम. अश्विन सुनो तो. वैसे पूरी साहब, मेरे बेटे की सबसे बड़ी खूबी यही है, अपनी माँ का कहना कभी नहीं टालता. अश्विन, what's the matter with you? Lily, hear me yourself. मुझे ऐसे रखना बिल्कुल पसंद नहीं. It's not America. Okay, cool it, man. Please. ठीक है, चल चलो. Hello. गुड मॉर्निंग. क्या है? तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी. चाय बनाओ. तुम्हें चाय लाने की क्या जरूरत थी? घर का नौकर चाकर मर गया क्या? हिंदुस्तानियों की यही तो बुरी आदत है, अपना काम खुद नहीं करेंगे. जरा जरा से काम के लिए नौकर चाकर चाहिए. मुझे शॉपिंग के लिए ले चलोगे? मुझे कॉलेज जाना आज. आज तो संडे है. पापा और आंटी भी यही चाहते हैं. हाँ कह दो ना प्लीज. नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. आखिर मेरी भी तो अपनी जिंदगी है. देखती हूँ कैसे नहीं जाओगे. अभी जाकर आंटी से तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ. ठहरो, छोटी छोटी बातें लेकर मम्मी से शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अमेरिकन मेहमान का क्या हाल है? मेहमानों को तो हम सारा आंखों पे बिठाते हैं, पर एक होते हैं मेहमान और एक होती है मुसीबत. अमेरिकन पर्सनालिटी फॉर द इंडियन क्लाइमेट. लिली मैम साहब से इतना तंग आ चुके हो? अरे सुबह सुबह टपकती है चाय लेकर. उसके बाद? किसी फाइव स्टार होटल में लंच बाय मम्मीज ऑर्डर. उसके बाद? शाम को डिस्को
अगेन मम्मीज ऑर्डर्स? ऑफ कोर्स ओबीडिएंट सन. और फिर रात को? रात को मम्मी का ऑर्डर्स नहीं आती, आती है ख्वाब में चुड़ैल बन के डराने के लिए. जानते हो क्या टाइम हुआ है मामा? ऐसे में टाइम का किसको पता चलता है? प्रकाश और योगेश भी तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे. आखिर तुम गए कहाँ थे? ऐसे एक हसीन पार्टी थी मामा. अगर पार्टी इतनी हसीन थी तो लिली को भी साथ ले जाना था ना मामा. ये लिली और उसके डैडी कब हमारे सर से उतरेंगे? आहिस्ता बोलो, बाजू के कमरे में सो रहे, सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे. अरे मानते हैं तो मानने दो ना. वैसे भी मामा इस लड़की लिली के एक एक नखरे ढाई ढाई मन के हैं. अच्छा मामा, मैं चाहता हूँ कि आप एक लड़की से मिले. लड़की से क्यों? क्योंकि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ मामा. क्यों नहीं, हमारे बेटे की पसंद हम जरूर देखेंगे. थैंक यू मॉम. और फिर अगर हमारे बेटे ने किसी को पसंद कर लिया है तो जरूर उसमें और उसके खानदान में कोई खास बात होगी. चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई. गुड नाइट मॉम. ये लड़की के घर की तरफ की सड़क झोपड़पट्टी से जाती है मॉम. आजकल तो एयरपोर्ट का रास्ता भी झोपड़पट्टी से होते हुए जाता है. भाइयों, हमारे नेता चुनाव के पहले वादे कुछ और करते हैं और चुनाव जीतने के बाद कई जनता भाड़ में. तुम कौन, मैं कौन? आज भी हमारे टूटे फूटे झोपड़े वैसे कायम है जैसे 5 साल पहले थे. आज भी हमारे नलों में वैसी पानी आता है जैसे कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो. क्या मैं ऐसे नेता को वोट देना चाहिए? नहीं. लेकिन हम लोग तो छोटे हैं, वोट कैसे दे सकते हैं? चुप बैठ, आज नहीं तो कल वोट देंगे. अरे कहाँ जा रहे हो भैया? हाय पूजा. अरे आप लोग, लेकिन तुम तो संडे को आने वाले थे ना? ताकि तुम लोग हमारे आने की तैयारियां कर सको. नहीं पूजा, मैं चाहता था कि तुम जिस हाल में हो जैसे भी हो वैसे ही मॉम तुमको देखे. घर चलने के लिए नहीं कहोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग चलिए ना. आइए. धूप डाल देगी बालों में लकीरें, चेहरों पर वक्त के निशान जम जाएंगे, पागल मोहब्बत के पुरशोर झरने उम्र की तराई में जाकर थम जाएंगे. बहुत खूब, बहुत अच्छे. अच्छी कविता पढ़ लेते हैं आप. जी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सविता ओबरॉय हूँ. और मुझे पूरे सुंदरलाल कहते हैं. बैठिए ना. लेकिन आप तो दुनिया के लिए मर चुका हूँ. खैर. अरे पूजा बेटी, कैसे बच्चे हैं आप? इखलाक और सभ्यता नाम की चीज ही भूल गए? जी अभी आए पापा. वाओ, ये है मेरी पत्नी सुधा और आप हैं सविता ओबरॉय. नमस्ते. इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है. और इस खासा को चिंटू कहते हैं. हजरत एक शेर सुनाता हूँ, मुलायजा फरमाइए. सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो. आधा वजह. बड़ा ही हुनर बच्चा है और बहुत शरारती भी. देख तेरी ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, गली में जाके कर. और ये क्या हाल बना रखा है? चल मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ. चल मैं अभी आई. लाओ मुझे दो. थैंक यू. Thank you.
अब तक आप समझ गई होंगी कि पूजा और अश्विन एक दूसरे को कहां तक चाहते हैं। ये सब किताबें आपकी लिखी है? जी हाँ, ये कविता की पुस्तकें ही मेरे जीवन की कमाई हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं भी आपकी फैन हूँ, और फिर आपकी कविता का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक रहा है। धन्यवाद। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। मगर आपकी चाय? एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। चलो अश्विन। मॉम, एक्सक्यूज मी। पापा। बेटा, इन आंखों ने समाना देखा है, तू घबरा मत। ये लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है, घबरा मत। ये आपका आखिरी फैसला है मॉम? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं पूछ सकता हूँ, आखिर आपने पूजा में से कौन सी कमी देखी है मामा? कमी इंसान में नहीं, उसके मुकद्दर में होती है बेटा। इस लड़की के भाग्य में हमारी घर की बहू बनना नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है मॉम? एक तरफ तो आप उसके डैडी की इतनी बड़ी फैन है, दूसरी तरफ उसी महान कवि की बेटी को आप अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये कैसे दोहरी जिंदगी जी रही हैं आप मामा? जिंदगी के दो रुख होते हैं बेटा। एक रुख होता है ये दुनिया, समाज, पोजीशन, और दूसरा रुख होता है आदर्शवाद का। अब हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, किस तरह के सपनों को सच करना चाहते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। वो तो ठीक है मॉम, आखिर पूजा और लिली में फर्क ही क्या है, अमीरी और गरीबी का? अगर मेरा पूजा की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, तो लिली की जिंदगी से भी मेरा कोई संबंध नहीं। तुम भी सिली अश्विन, लिली के पिताजी एक बहुत बड़े शिपिंग मैग्नेट है, और ये रिश्ता मैं तोड़ना नहीं चाहती। आप मेरी शादी रुपयों से करना चाहती है? हमारे घर में रुपयों की कमी है क्या? ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी सर। बेटा। यस मॉम। अभी तक कहाँ थे? समंदर के किनारे टहल रहा था। अकेले? हाँ। क्यों? अकेले में कुछ सोच रहा था। किसी नतीजे पर पहुंचे? नहीं। बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं मामा, आप खा लीजिए। गुड नाइट। देखा, अब खून बंद हो गया ना? हाँ। दर्द भी होता होगा? जब तीमारदार मौजूद हो तो दर्द का एहसास कहाँ होता है। गुड आफ्टरनून मैडम। दुबे जी बैठिए। सुना है आपकी तबीयत खराब है, आप कैसी हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं जरा मेंटली अपसेट हूँ। कैसी परेशानी? अश्विन का प्रॉब्लम है। क्या किया है बिटवा ने? अब रहने दीजिए दुबे जी, बताइए कोई खास काम है क्या? ऐसे कोई खास काम तो नहीं था, लेकिन इतनी सारी डाक इकट्ठी हो गई थी दफ्तर में, मैंने सोचा आपको दे आऊं। दुबे जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि दफ्तर का काम आप घर पर मत लाया कीजिए। सॉरी मैडम। और फिर जब तक इस प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं जाती, मैं दफ्तर आऊंगी भी नहीं, आप संभाल लीजिए। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। आप यहाँ मॉम? खाना तो तुमने यकीनन खाया नहीं होगा। नो मॉम। तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? मैं कुछ समझा नहीं मॉम। तुम समझे नहीं या समझना नहीं चाहते?
मैं अभी इसी वक्त जानना चाहती हूँ, तुम लिली से शादी करोगे या नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ मैं लिली से शादी क्यों करूँ? क्योंकि वो मेरी पसंद है। मेरी नहीं, मैं उसे नहीं चाहता। तुम समझते क्यों नहीं, लिली मेरी सहेली की इकलौती बेटी है और उनका घराना हमारे बराबर का है। घराना? सॉरी मॉम, जब डैड ने आपसे शादी की थी तो आपका घराना कौन सा बराबर का था? मैं बताता हूँ, एक सीधा साधा लफ्ज है प्यार। डैड ने प्यार की खातिर दुनिया समाज किसी की परवाह नहीं की थी। मैं समझ गई, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। मॉम, इस दुनिया में कौन सा लायक बेटा अपनी मां को दुखी देखना चाहेगा? मुझे आपकी बातें तब मंजूर होंगी जब आप मेरी भी कुछ बातें मान लेंगी। बोलो बेटे। मैं 4-5 महीने शादी नहीं करना चाहता। That's fine. अभी सिर्फ मंगनी कर लो और फिर वैसे भी शादी की तैयारियां करते करते 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। एक बात और मामा, मंगनी के बाद आपकी और सारे कारोबार की जिम्मेदारियां मैं संभालना चाहूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ। बट मॉम, आई डो नॉट वॉन्ट एनीबॉडी टू इंटरफेयर। मैं अपनी गलतियों से खुद सीखना चाहता हूँ और मैं आपको साबित कर देना चाहता हूँ कि मेरी रगों में भी अभिनय खानदान का खून दौड़ रहा है। That's fine, son. आज रात को मैं चैन की नींद सोऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हे ईश्वर, मुझे अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति देना। प्यार के इस राह में मेरे कदम कभी न डगमगाए। यह हाथ जो मैंने थामा है जन्म जन्मांतर के रिश्ते में बदल जाए। मैं अश्विन ओबेरॉय चारों दिशाओं और तुझे साक्षी मानकर आज इस घड़ी पूजा देवी पोरस सुंदर लाल को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। पूजा, आज के बाद मेरे जीते जी इस अंगूठी को कभी मत उतारना। कभी नहीं उतारूंगी, लेकिन जब अपने प्यार पर इतना विश्वास रखते हो तो फिर ये गंधर्व विवाह क्यों? तुम्हारा विश्वास रखने के लिए, मैं अपनी माँ की जिद को जानता हूँ। वो एक तूफान की तरह है, जितना मैं उनके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करूंगा उस तूफान की तेजी उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे तबाह बर्बाद कर देगी। और मैं इस तबाही और बर्बादी से अपने प्यार को बचाना चाहता हूँ पूजा। लेकिन कब और कैसे अश्विन? जब तक तूफान गुजर नहीं जाता, मामा को समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और आखिर में जीत प्यार भरे दिलों की होगी। इस बात पर भरोसा रखना पूजा। जीवन की आखिरी सांस तक मुझे इस बात पर भरोसा रहेगा अश्विन। पूजा, क्यों यार सब लोग चुपचाप बैठे हो? क्या सबने मौन धारण कर लिया है? अबे घनचक्रो, तुम लोग इस शहर में रहते हो या कहीं और? यार तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं क्या? आज तक हम लोग ये समझते थे कि औरत जात का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज ये मालूम पड़ा कि ये मर्द जात का भी कोई भरोसा नहीं। यार डब्बा ठीक कह रहा है। अरे अपने लाट साहब को देखो ना, पूजा को छोड़कर 1 करोड़पति की लड़की से मंगनी करने जा रहे हैं। बेशरम, बेवफा, बेहया साला। उसको फोन करो तो कोई फोन नहीं उठाता और घर पे जाओ तो वॉचमैन कुत्ते छोड़ देता पीछे। डैम ब्लडी फूल। खुश? बहुत खुश। सविता भाभी, ये रिश्ता आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपको भी बुरी साहब। मुबारक हो। थैंक यू भाई। वाह क्या खूबसूरत जोड़ी है। अरे भाई, दो बड़े खानदानों में रिश्तेदारी हुई है, कोई मजाक नहीं है। सो तो है। क्या हैव योर अटेंशन प्लीज। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आज इस शुभ अवसर पर मैं सारे शहर को बुलाऊं, लेकिन मेरे बेटे की ख्वाहिश पर मैंने सिर्फ आप लोगों को बुलाया है जो हमारे नजदीक हैं। अब मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाती हूँ, और वो है कि आज से ओबरा इंडस्ट्रीज का कर्ता धर्ता और मालिक मेरा बेटा अश्विन होगा। थैंक यू।
शाम को हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे हाँ? बेशरम बेवफाप बेहया, मेरे हाथों में इसे आंख लगा के तू? अरे तुमने मेरे प्रकाश को मारा क्यों? प्रकाश क्या गलती हो गई है, क्यों नाराज हो गए मुझसे? हाँ? छोड़ो मेरा हाथ, क्यों उठाया तुमने मुझे? मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। लगता है फिर तुम्हारा जी सबके सामने झापड़ खाने को मतला रहा है। अरे उठा कर तो देखो तुम अपना हाथ मेरे ऊपर। अगर मैंने तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारी 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 इस जेब में डाल दिया तो मेरा भी नाम प्रकाश नहीं, समझी? देखो मैं कहती रुक जाओ यहाँ, वरना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, कॉलेज में बहुत सी है, मैंने बहुत नखरे झेल लिए तुम्हारे, जाओ किसी का भी हाथ पकड़ लो, जाओ। मैं तो किसी न किसी का हाथ पकड़ ही लूंगी, लेकिन तुम्हें एक गंदे नाले में डूब के मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। और तुम्हारा काम ही क्या है? जिस तरह से नेता लोग अपनी पार्टी बदलते हैं ना, उसी तरह से तुम जैसी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं, अपने कपड़ों की तरह, सुबह एक ड्रेस तो शाम को दूसरी ड्रेस। मगर इतना याद रखो कि अगर तुम्हारी यही हालत रही ना तो कोई तुम्हें फटे हुए जूते की तरह, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कल ही खरीदा है, कोई तुम्हें फटे हुए जूते की तरह भी अपने पांव में नहीं पहनेगा, समझी? अच्छा तो ये बात है, तो फिर उल्लू की तरह खड़ा क्यों है? पकड़ ली मेरा हाथ, बना ले मुझे अपना। आए हाय, फिर हाथ ही क्या पकड़ना है, पूरी की पूरी ना पकड़ लो साहब। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ये लीजिए, क्या हुआ, क्या बात है? पूजा, क्या हुआ माँ? ये फोटो, ये मंगनी, ये सब क्या है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? और तुमने हमें बताया तक नहीं, इसमें बताने के लिए था ही क्या? इसका मतलब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। ऐसा मत कहो माँ, प्यार तुमसे और मंगनी किसी और से? अश्विन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ अश्विन ऐसा नहीं है। देखा इस मूर्ख लड़की को, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कह रही है अश्विन ऐसा लड़का नहीं है। माँ मत छू मुझे। पापा आप तो जानते हैं। आप? जी मैं अश्विन से मिलने आई हूँ। वो घर पर नहीं है। चलिए मैं आपसे बात करूंगी, अंदर आइए। बैठिए। अश्विन से मिलने आई हैं, जरूर पूजा की कोई बात होगी। आप जैसे लोग आखिर कब सोचेंगे? किसी भी लड़की का खूबसूरत होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उस खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करना या नाजायज फायदा उठाना उस लड़की को शोभा नहीं देता। और फिर एक अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाना बहुत ही घटिया हरकत है। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमने अपने बच्चों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी है। तो यूं ही 50,000 की हीरे की अंगूठी ऐंठ ली? अच्छा, बेटी के इतने करीब रहते हुए भी आपकी नजर उसके हीरे की अंगूठी पर नहीं पड़ी, या आपने नजर पड़ने नहीं दी? मेरी बेटी और 50,000 की अंगूठी? दूध पीती बच्ची है क्या? अगर ये इल्जाम हम आप लोगों पर लगाएं कि आप मां बेटी ने मिलकर हमारे बेटे के भोलेपन का फायदा उठाया और उससे 50,000 रुपए की अंगूठी ऐंठी,
तो इस इल्जाम का जवाब है आपके पास? और अगर 50,000 से पेट ना भरा हो तो ये लीजिए और भर दीजिए इसमें अपनी बेटी की कीमत। मैं पूछती हूँ, इस घर में ऐसी कौन सी कमी थी कि जो एक भिखारन की तरह तुमने आंखें बंद करके उस अमीर जाते लड़के की अंगूठी पहन ली? बोल जवाब दे। सुधा, जरा होश से काम लो। होश और अकल मेरी उस वक्त गायब हो गई थी जिस वक्त मैंने उस शीश महल में कदम रखे। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, ये सब इसकी वजह से है। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी घटना को छोटी सी बात समझते हैं आप? इस घर की इज्जत और हमारी बेटी की 50,000 कीमत लगाई है उस अमीर औरत ने। वो औरत तो मूर्ख है ही, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख तुम हो जो उसके घर अपना रोना लेकर गई थी। क्या उसने तुम्हारा दुख दर्द बांटा? क्या उसने एक माँ के दिल की ठेस को समझने की कोशिश की? उस औरत के सीने में माँ का दिल नहीं, पत्थर का दिल है। लेकिन कुदरत का इंसाफ इतना अंधा नहीं है सुधा। जब उसको अपनी दौलत, अपने अभिमान की कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसके घमंड का शीश महल टूट फूट कर चकनाचूर हो जाएगा। जवानी के जोश में बच्चों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कई कुमारी लड़कियां अपने भोलेपन और अपनी मासूमियत की वजह से माएं बन जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें प्यार करने की इतनी सख्त सजा दी जाए। हमने अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं पाला है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है कि जिसकी वजह से उसके कदम बहक जाए। और ना ही अश्विन ऐसा लड़का है कि वो किसी लड़की के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे। वो लड़का अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठो। यस मॉम। तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने और मैंने इस कुर्सी का बहुत आदर किया है। आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म और तुम्हारी शुरू। ओके मॉम, आई वॉन्ट लेट इट ऑन। तू भी जी। Morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning. Julie, follow me. Sure, sir. दुबे जी आ गए? उनके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता सर। नहीं जूली? यस सर। हमें 15 मिनट के अंदर अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, मैनेजर से लेकर चपरासी तक सबकी लिस्ट चाहिए। You think you can do it? Sure, sir. Anything more, sir? No, thank you. Now you can go. All right. नमस्ते जी। फिल्म का टिकट लाया? नहीं। मॉर्निंग। घोड़े की तरह करता है। जूली, अश्विन बिटवा आ गया। मिस्टर दुबे, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा कि आप मिस्टर अश्विन को अश्विन कहने के बजाय अभी बॉस कहना शुरू कर दें। अरे बॉस होगा तुम लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिटवा ही है। अंदर जाने से पहले आप अपना पसीना पोंछ लीजिएगा। बस में कंडक्टर नहीं था ना। बहुत लोग। मिस्टर दुबे हैज रिपोर्टेड ऑन ड्यूटी। गर्मी लगी। यस सर, अंदर जाइए। ये बिटवा ने दफ्तर में आते ही कौन सा अंग्रेजी सिस्टम शुरू कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। जूली, मेरा ये रख के जाता हूँ। क्या? बैग, बैग। हमको बुलाया बिटवा? ये आपका ऑफिस आने का वक्त है। अब का बताए बिटवा, हमको बहुत सारी ड्यूटी बजानी पड़ती है ना। क्या क्या ड्यूटी बजानी पड़ती है?
अब क्या बताए, घर के नौकर लोग इतने हरामखोर है कि सारा रसोई घर का सामान भी हम ही को खरीदना पड़ता है, और ये ड्राइवर लोग महाचोर, सब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल हमको हमारी निगरानी में भरवाना पड़ता है, यहाँ तक कि टेलीफोन और बिजली का बिल भी हम ही को भरना पड़ता है। और क्या क्या करना पड़ता है आपको मिस्टर दुबे? अब कहा बताए बिटवा, हम इस कंपनी के मैनेजर है, नहीं तो ये कंपनी का स्टाफ कंपनी को बेच कर खा जाए। हाँ, अब तुम्हारे पिताजी थे ना तो हम मैनेजर थे, अब बहुरानी थी तो हम मैनेजर थे, अब तुम आ गए हो बिटवा तो हमको वैसे ही संभालना। मिस्टर दुबे, आपको इस कंपनी में कितने सालों के काम करते हुए? करीबन 40 साल, लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है बिटवा। लगता है अब आपको लंबी छुट्टी पे भेजने का वक्त आ गया है। एक बात ये आप गांठ बांध लीजिए कि मैं आपका बेटा नहीं, आपका बॉस हूँ। जी बॉस। कहाँ के रहने वाले हो? बनारस के भी बॉस। इस धोती और कुर्ते में बनारस से बॉम्बे तक तो आ गए, लेकिन पिछले 40 साल में धोती और कुर्ते से पैंट शर्ट तक नहीं आए। अब कल से आप ऑफिस आएंगे वो भी इन सूट और इन टाइम, कुछ समझ में आया आपके? जी मैं धोती निकाल दूंगा, मैं पैंट और शर्ट और सूट पहन कराऊंगा, और साथ में ये भी, इस ऑफिस में मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ मेरा। यहाँ की कोई भी बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि मालकिन के पास भी नहीं। यू अंडरस्टैंड मिस्टर दुबे? आई अंडरस्टैंडिंग बॉस, करीबन करीबन नहीं जाएगी। ठीक है नाउ यू कैन गो। ओके, हियर इज द रिकॉर्ड यू आस्क फॉर सर। थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? अरे ये क्या भाई, होली तो कल है, इसीलिए तो सिर्फ पानी का बलून फेंका। असली होली तो कल अपनी बस्ती में होने वाली है। क्यों नहीं? अरे यार अश्विन कहाँ है, उसे भी तो आना चाहिए ना। साला धंधे में ऐसा उलझा है, हमें भूल ही गया है। हमें तो क्या, वो पूजा तक को भूल गया। साला बेवफा दगाबाज कहीं का। डब्बा कल उसको लेके आ तू। हाँ हाँ जरूर लाऊंगा। अच्छा बाय।
अश्विन, पूजा, लिली, कुत्ती। अरे ये अपना बिड़ू बाल क्यों नोच रहा है? लगता है कल भांग बहुत ज्यादा पी ली, अभी तक नशा नहीं उतरा। भांग पी होगी तेरे बाप ने, मैं तो कल से पजल्ड हूँ भैया, पजल्ड। पजल्ड? और तू? अबे पजल होने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, और जो इसके पास है नहीं। अबे डब्बे डब्बे दिमाग है तभी तो कल से उलझा हूँ इस गुत्थी में। क्या अपने हीरो ने मंगनी तो कर ली लिली के साथ, और कल होली खेली पूजा के साथ? हाँ यार, पूजा की ये बात समझ में नहीं आई, वो हंस हंस के नाच क्यों रही थी? अपनी समझ में तो ये माजरा आया नहीं भैया, और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सिर्फ अश्विन ही सुलझा सकता है, समझे? ठीक कह रहे हैं। अश्विन, आज सुबह तो तुमने टेलीफोन उठाकर बैंक कर दिया था, शायद नींद में थे। अब तो चंद बोल प्यार के बोल दीजिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? आज फिर चंद घड़ियां हमारे साथ गुजारिए, हमारी तकदीर संवर जाएगी। लेकिन तुम्हारी तकदीर संवारने आओ कहां? आज शाम होटल शैमलॉक में इकट्ठे खाना खाएंगे, ओके? अच्छा बाबा, ओके बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटे। सुनो अश्विन, आज शाम को जल्दी वापस लौट आना। क्यों मॉम? वो क्या है बेटे, जब से पूरी साहब अपने फ्लैट में चले गए हैं, हमसे कुछ हट से गए हैं, इसलिए आज रात को हम उनके साथ होटल शैमरॉक में खाना खा रहे हैं। मेरा जाना जरूरी है मॉम? ऑफ कोर्स बेटे, अब तक तो लिली के 4 फोन आ चुके हैं। ओके मॉम। कौन है आप? मुझे पहचाने नहीं? मैं दुबे, दुबे। अच्छा, दुबे जी के बेटे हैं आप? मैं इतना यंग लगता हूँ? तो हम लोग लिबर्टी में पिक्चर देखने जा सकते हैं, वहाँ काफी लिबर्टी ले सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, जस्ट मैरिड। व्हाट? नहीं पसंद है तो बाजू में हनीमून लगी है, हनीमून देखेंगे करेंगे, नहीं देखेंगे। किससे मिलना है आपको? अरे अश्विन बिटवा से। ओह मिस्टर दुबे, वाओ व्हाट अ चेंज। मैं दुबे दुबे अच्छा लगता हूँ ना, धोती निकाल दी तो, आई मीन पैंट कोट शर्ट पहन लिया तो। बॉस आ गया है? हाँ आ गए, गो 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 अहेड, ही इज वेटिंग फॉर यू, गो। मैं मेरा रख के जाता हूँ। क्या? बैग बैग बैग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर दुबे, नाउ यू लुक लाइक अ रियल मैनेजर ऑफ ओवरराइड कंपनीज। थैंक यू सर। एनीथिंग आई कैन डू सर फॉर यू? मैं अपनी कंपनी के स्टाफ का पे स्केल देख रहा था, वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है। oh. और इसलिए हमारी कंपनी का आउटपुट भी। मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी के स्टाफ का पे स्केल 30% बढ़ा दिया जाए। लेकिन बॉस, दूसरी कंपनी के हिसाब से हमारी कंपनी के स्टाफ का पगार बहुत ज्यादा है। मैं दूसरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। yes. और ये बात भी, ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। दैट्स गुड मिस्टर दुबे, यू अंडरस्टैंड वेरी फास्ट। यस सर, आई एम वेरी फास्ट मैन। नाउ यू कैन गो। ओके। शायद ओवर टाइम कर रही है, मैं भी करूंगा। What nonsense? कौन हो तुम? किसने लगाने दिया तुम्हें? तुम्हारी कशिश खींच लाई जाने मन। वैसे बाय द वे, तुम हर रोज स्कर्ट पहनकर ऊपर चढ़ती हो, आई मीन ऑफिस में आती हो? ओह यू शट अप, इससे पहले कि मैं चपरासी को बुलाकर तुम्हें गेट आउट करूं। मैडम ये चपरासी के बस की बात तो है नहीं, हमें बाहर निकालने के लिए आपको पूरी फौज बुलानी पड़ेगी, आई मीन द होल इंडियन आर्मी की तोपें। टेक योर हैंड अवे फ्रॉम मी। किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है? अरे कमाल कर रही हैं आप, अपने दोस्त से मिलना है, इस दफ्तर के मालिक से मिलना है, और आपके बॉस से मिलना है। तो लिखिए अपना नाम यहाँ पे। मैडम ये नाम वाम का नाटक छोड़िए, और बोलिए उस उल्लू के पट्टे को कि उसका दोस्त आया। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो बॉस, सर मिस्टर, क्या नाम बताया? उल्लू का पट्टा, आई मीन उल्लू के पट्टे का दोस्त प्रकाश। सर मिस्टर प्रकाश हैज कम टू सी यू। ओके सर। थैंक यू मिस जूली डिसूजा, आप इतनी खूबसूरत हैं, लंबी चौड़ी है। मेरा आपको एक सजेशन है कि आप ये स्कर्ट्स वगैरह पहनना बंद कर दीजिए, आप साड़ियां पहना कीजिए और सलवार कमीज वगैरह पहना कीजिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने देखना था वो देख लिया, अब कई बार क्यों देखे। व्हाट इज स्टूपिड मैन, मुझे तो नहीं लगता बॉस का ऐसा कोई दोस्त होगा। बैठो।
मैं यहाँ बैठने नहीं आया। फिर किस लिए आया हूँ? तुम्हें 100 जूते मारकर एक गिनने आया हूँ मैं। वाह, क्या ठाट बाट है, क्या तौर तरीका है तुम्हारा। राधा के हाथ में मुरली थमा दी और गुलछर रहे गोपियों से। अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? जिन अंगारों पर मैं लौट रहा हूं मैं ही जानता हूं। तुम्हारे आने से पहले मैंने पूजा के नाम एक खत लिखा है, लो पढ़ लो। मुझे माफ कर दे यार, मैं तो पहले ही कहता था कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरे यार में नहीं। मुझे इस वक्त तुम दोस्तों की मदद की जरूरत है। अरे तू हुक्म कर यार, जान हाजिर है। पहले तो चिट्ठी पूजा तक पहुंचा दो, ठीक है? और अपना पार्ट अच्छी तरह से याद कर लो। हाँ। क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो सब किए कर आप पानी फिर जाएगा। अरे तू फिक्र मत कर यार, मैं ऐसी डायरेक्शन दूंगा, ऐसी डायरेक्शन दूंगा कि लोग वो हॉलीवुड का डायरेक्टर, क्या नाम उसका, वो स्टीवन स्पीलबर्ग लोग उसको भी भूल जाएंगे। मैं ऐसा मामला जमाऊंगा कि पूजा भी खुश, तू भी खुश और तेरा यार भी खुश। हाँ, देख। वेलकम मैडम। वेलकम सर। आइए प्लीज, आइए आइए, बैठिए, बैठो बेटे। कुछ भी कहिए सविता भाभी, हमें अपना होने वाला दामाद बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। हमने अश्विन को अपनी बेटी के लिए यूं ही नहीं चुना। ही इज रियली ग्रूवी पापा, लेकिन कभी कभी तंग बहुत करता है, अपॉइंटमेंट देकर कभी टाइम से नहीं आता। नया नया बिजनेस संभाला है ना बेटी, रात को देर से लौटता है और सुबह जल्दी चला जाता है। सविता भाभी, जितनी जल्दी इनकी शादी हो जाए अच्छा है, लिली सब संभाल लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो बिजनेस संभाला है, पहले बिजनेस तो ठीक से संभाल लो। साहबजादे, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, पहले बिजनेस बाद में शादी। आइए मैडम, वो रहा आपका टेबल, आइए। अश्विन। यस मॉम। तुमने इसे यहाँ बुलाया? किसे मॉम? पूजा को। मामा, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। क्या बातें हो रही है? सामने बैठे लड़के की तारीफ हो रही है। छी, कितनी भद्दी लग रही है। वाइफ तो यहाँ फ्यूनरल में पहना जाता है ना? लेकिन बेटे अच्छी लग रही है। She is looking beautiful. Not more than me, पापा। क्यों अश्विन? Oh, sure. सब कुछ जम गया है। पूजा भी आ गई है। फिक्र मत करो, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हाँ। मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए, आगे का सब इंतजाम हो गया? बिल्कुल। मेरे इशारा करते ही तमाम लाइटें ऑफ हो जानी चाहिए। हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ये ठीक है, कपड़े ठीक? ऑल द बेस्ट, गुड लक। पूजा, थम्स अप को विस्की बना के लाऊं? वेटर, मेरे लिए विस्की लाओ। वेटर। यस मैम। ऑन द रॉक्स। वेटर। यस मैम। यस मैम। हमारे लिए एक डबल स्कॉच लाओ। यस मैम। वेटर। यस मैम। यस मैम। ऑन द रॉक्स। यस मैम। यस मैम। आपने बुलाया? जी नहीं। यस मैम। यस मैम। अरे सुन, पूजा का नकली जाम रेडी है क्या? हाँ, ये रहा। ले जा, लेके जा, लेके जा। और लिली का असली जाम? ये रहा। अरे एक से क्या होगा, दो और बना, जल्दी कर। ठीक है। थैंक्स। आज अगर मैंने लिली को आउट नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम निकल जाएगी, निकल जाएगी। हो गया। लिली बन जा देगी बिल्ली। देखो तो कितनी बेशर्मी से सबके सामने विस्की पी रही है। ओह मॉम, हमें इसे क्या लेना देना। एक्सक्यूज मी मैम, वन लार्ज स्कॉच ऑन द रॉक्स। अह
Another one. मालूम था. One more. Another one. मालूम था मैं. One more. Excuse me, ma'am. Same thing, repeat. Yes. पूजा तुम आओ. लिली बेटी, ये भाभी परेशान होने की कोई बात नहीं है. वेस्ट में ये आम बात है. बस बेटी बस करो, बहुत हो गया. पापा बहुत मजा आ रहा है. आज के लिए इतना काफी है. Oh,
रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? I'll kill her. We don't have license to kill. I'll kill her, papa. बैठो बेटे. सविता भाभी आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ, मैं इसे संभालूंगा. चलो अश्विन. I'll kill her. I'll kill her. Don't behave like hunter wali. Waiter. Yes, ma'am. I'm sorry. Yes, sir. अश्विन. Yes, ma'am. मंगनी के बाद तुम पूजा से कभी नहीं मिले? नहीं. सुनो, खा मेरे सर की कसम. मॉम, कसम तो झूठे लोग खाते हैं. इसका मतलब है तुम पूजा से मिले थे. पूजा, पूजा, पूजा. जब मैं पूजा को भुला देना चाहता हूँ, मुझे बार बार उसकी याद क्यों दिला रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपके होने वाले बहू अगर पब्लिक में शराब पिए तो आपको कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर पूजा पब्लिक में शराब पिए तो आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो हमारी बराबरी की नहीं. लिली अगर स्विमिंग पूल में गिरकर गोते खाने लगे और पूजा उसे बचा ले तो ये पूजा की घटिया हरकत है. मॉम, अपनी आत्मा को जरा टटोलिए. एक ही रात में कहीं आपके अंदर से कुछ टूट गया है जिसे आप जोड़ नहीं पा रही. गुड मॉर्निंग सर. यहां बैठ जाओ. यस सर. आप किसी ऐसे यूनियन लीडर को जानते हैं जो स्ट्राइक करवाने में एक्सपर्ट हो? एक्सक्यूज मी सर, हमें ऐसे लीडर की क्या जरूरत है? नो क्वेश्चंस प्लीज. सॉरी, मिस्टेक हो गई. ऐसे लीडर तो ये शहर में भरे पड़े हैं. ऐसे ही किसी टॉप के यूनियन लीडर से हमारे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए. ओके सर. और इस बात की खबर ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए. गुड, नाउ यू कैन गो. ओके. दुनिया के सामने इस तरह नुमाइश करने का कोई मतलब है? क्या साबित करना चाहते हो? जानते हो मां जी के सामने मेरी क्या हालत हुई थी? और वो प्रकाश, उसको तो मैं जान से मार डालूंगी. प्रकाश ने मुझे सब कुछ बता दिया था. किराए पे सिर्फ कैमरे की ड्रेस मिली, वो बेचारा मजबूर था. और रही साबित करने की बात, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं. मैंने उस चट्टान को अपनी जगह से खिसका दिया है जिसे बड़ा से बड़ा तूफान नहीं हिला सका. अरे पगली, तुम इतनी सी बात से घबरा गई? अभी तो हमें बड़े बड़े इम्तिहान से गुजरना है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा. इतनी मामूली सी बात से हार गई हैं? क्या करूं, लड़की हो ना. मिस्टर सदाशिव दामले, आज तक आप कितने स्ट्राइक करवा चुके हैं? कम से कम 100 तो करवा चुके हैं मिस्टर अश्विन. उन हड़तालों का रिकॉर्ड क्या रहा? 100%. और हमेशा मिल मालिकों को झुकना पड़ा है. आप हमें झुकाने का क्या लेंगे? मैं समझा नहीं सर. आप हमें झुकाने का क्या लेंगे? बड़े आश्चर्य की बात है सर, या तो मिल मालिक लोग अपनी फैक्ट्री में स्ट्राइक तोड़वाने के लिए लीडरों को तोड़ लेते हैं पैसे के जोर पर, और एक आप हैं कि अपनी ही मिल में स्ट्राइक करवाने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ. किसी भी गलत बहाने या डिमांड को लेकर हमारे मिलों में ताले पड़ जाने चाहिए, स्ट्राइक हो जानी चाहिए, और फिर मेरे एक ही इशारे पर स्ट्राइक टूट जानी चाहिए. वेल, यू कैन कॉल इट फोबिया ऑफ ए रिच मैन. क्या है काम हमारे लिए आप कर सकते हैं? बेशक, लेकिन इसमें तोड़ फोड़ के चांसेस हैं. होने दो, दैट्स माई फ्यूनरल. कल से आप अपना काम शुरू कर दीजिए, और हर एक हड़ताल के लिए आपको 2500 रुपए दिए जाएंगे. ये रही आपकी पहली इंस्टॉलमेंट. मेरा मतलब है हमारा बॉस अभी आता ही होगा, चिल्लाते क्यों हो? अरे मारे, अरे, 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 मर गया. सविता ओब्राय, अश्विन ओब्राय,
क्यों चिल्ला रहे हैं? शांत रहिए भाइयों। देखिए आप इस तरह शोर मचाएंगे तो हम आपकी कोई बात सुन नहीं पाएंगे। आप शांत रहिए भाइयों। कोई फायदा नहीं। बाबू के देश में इतनी हिंसा, लोग देश के लिए खून बहाते हैं और मैं तेरी फैक्ट्री के लिए खून बहा रहा हूँ। काश आज नीना यहाँ होती तो जान जाती कि मेरी रगों में भी शहीदों का खून दौड़ रहा है, शहीदों का। जूली, पुलिस को फोन करो। सुनानी, पुलिस को फोन करो जल्दी। जूली तो लगी रहे, दूसरा आदमी लगा किधर है? मजा आ रहा है क्या? मेरे को मजा आ रहा है, उसमें तेरे को क्या है? हट, लगी रहे तू। मेरे को भी उतनी चोट लगी है जितनी तेरे को लगी है, समझा क्या? अगर मेरी नीना यहाँ होती ना तो मेरे को भी उतना ही मजा आता था, समझा? हाँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो तू तेरी नीना के पास जाने, मेरी झूली के पास काय को झूला खा रहा है? ए, चालू रहे तू। सनम बेवफा, स्कर्ट पहन के दिखा दिया आ रहा मैं। उसको क्या दिखा दिया जो मेरे को नहीं दिखाया? चालू रह तू। ए, ए, मर गया। आपकी मम्मी का फोन है। हेलो मॉम। क्या? व्हाट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घर भी सील कर दिया है। नो प्रॉब्लम मॉम, आई एम जस्ट कमिंग। देखिए मेरे सेक्रेटरी और मैनेजर बाहर बैठे हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा उन्हें। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। दैट्स ओके, चलो। कोई अच्छी खबर है बेटे? नहीं मॉम, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मीले बंद हो चुकी हैं, बैंक के सारे अकाउंट सील हो चुके हैं, ऊपर से 20 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स, वो भी व्हाइट में। 20 करोड़? इतने रुपए आएंगे कहाँ से? सिर्फ एक ही रास्ता है मॉम, मिस्टर पुरी। वैसे भी दहेज में हम उनसे एक पैसा नहीं मांग रहे, कम से कम हमें सूद पर तो ये रकम वो दे ही सकते हैं। लेकिन बेटा ये मॉम, लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ओबरा इंडस्ट्रीज को बचाना है तो सिर्फ यही तरीका है, यही एक तरीका रह गया मॉम। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। डैम इट। क्या हुआ पापा? बेटे हम क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हेलो आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो बेटी। आइए भाभी जी, आइए, वेलकम। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके कदम हमारे इस घर तक आए। आइए बैठिए। ये बताइए कि आप क्या लेंगी, कुछ ठंडा या गर्म? कुछ नहीं थैंक यू। पुरी साहब, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई हूँ। हम लड़की वाले हैं, आप हुक्म कीजिए। मैं भी आपके पास आने ही वाला था, ना जाने आजकल ये प्रेस वाले ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने तो पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया। दरअसल मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ। लिली बेटी, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। श्योर आंटी। हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? पुरी साहब, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि ओबेरॉय फैमिली ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये बात जताने की जरूरत नहीं है भाभी जी, अच्छा बुरा वक्त तो हर इंसान पर आता जाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं जो हम पर आया है, कहने के लिए सुबह साथ नहीं दे रही। कहिए कहिए भाभी, अपनों से क्या छुपाना? मिलों में तो हड़ताल चली रही थी और फिर इनकम टैक्स ने अकाउंट्स सारे सील कर दिए और ऊपर से 20 करोड़ का एडवांस टैक्स लगा दिया, जिसे भरने के लिए सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी है। 20 करोड़ का एडवांस टैक्स? हाँ पूरी साहब, और इस मुसीबत में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम वादा करते हैं आपकी एक एक पाई सूद के साथ चुका देंगे। सविता भाभी, आप अपने होश में तो हैं? 10-20 लाख की बात होती तो मैं सोचता भी, मगर 20 करोड़, लगता है कि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज मेरी शिपिंग कंपनी को ले डूबेगी। सही बात तो यह है भाभी कि मैं आपके सहारे के लिए यहां पर आया था, मेरी कंपनी तो खुद नुकसान में जा रही है। मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे डूबते हुए जहाजों को बचा लेंगी। ये कैसा बेहुदा मजाक है, हमने तो आपसे दहेज में कुछ नहीं मांगा था। अगर अपने ही संबंधी ऐसे बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे?
शादी का मतलब ये तो नहीं है मैडम कि हम आपके लिए खुद को भेज दें। तो फिर ये शादी नहीं होगी। मत होने दीजिए, मैं अपनी बेटी को कंगालों के घर ब्याहने नहीं आया हूँ। लिली के लिए हजारों रिश्ते और मिल जाएंगे। कम से कम इस शहर में तो नहीं। पहले तुम अपना घर संभालो सविता, हमारे बारे में सोचना बंद कर दो। बेहतर यही होगा कि हमसे कर्जा मांगने के बजाय तुम अपने सर्कल के किसी दोस्त से कर्जा मांग कर तो देखो। हम भी देखते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी जो मर्जी में आए समझ लो, लेकिन मेरी शाम की चाय खराब मत करो। आखिर तुमने अपनी जात दिखाई दी ना पूरी। 20 साल पहले भी तुम्हारे बारे में मेरी यही राय थी और आज भी यही है। ये क्या किया आपने पापा? अगर आप आंटी की मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम आपको उनके साथ ऐसा सुलूक तो नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया है बेटी, सोच समझ कर किया है। बेटी को कंगालों के घर ब्याहने नहीं आया हूं। लिली के लिए हजारों रिश्ते और मिल जाएंगे। पहले तुम अपना घर संभालो सविता, हमारे बारे में सोचना बंद कर दो। बेहतर यही होगा कि हमसे कर्जा मांगने के बजाय तुम अपने सर्कल के किसी दोस्त से कर्जा मांग कर तो देखो। हम भी देखते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है। मैं अपनी बेटी को कंगालों के घर ब्याहने नहीं आया हूं। लिली के लिए हजारों रिश्ते और मिल जाएंगे। पहले तुम अपना घर संभालो सविता, हमारे बारे में सोचना बंद कर। बेहतर यही होगा कि हमसे कर्जा मांगने के बजाय तुम अपने सर्कल के किसी दोस्त से कर्जा मांग कर तो देखो। तुम्हारी जो मर्जी में आए समझ लो, लेकिन मेरी शाम की चाय खराब मत करो। मैं अपनी बेटी को कंगालों के घर ब्याहने नहीं आया हूं। दिल्ली के लिए हजारों रिश्ते और जाए। पहले तुम अपना घर संभालो सविता। डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी? अश्विन? यस। मिसेज ओबेरॉय को मल्टीपल फ्रैक्चर तो है ही, उनकी दोनों किडनीज भी डैमेज हो चुकी हैं। डोंट वरी, उन्हें डायलिसिस पर रखा गया है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हॉस्पिटल के किडनी बैंक में एक भी किडनी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें किडनी का इंतजाम करना है, लेकिन याद रहे डोनर का ब्लड ग्रुप तुम्हारे मम्मी के ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। मम का ब्लड ग्रुप क्या है? ए नेगेटिव। इट्स अ वेरी रेयर ग्रुप, डिफिकल्ट टू फाइंड। पहले हमारा ब्लड चेक कर लीजिए। व्हाई नॉट, कम कम राइट अवे। थैंक यू। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे किए की सजा मेरी मां को भुगतनी पड़ेगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अश्विन जल्दी चल, टीवी पे सूचना आने वाली है। हाँ चलो। एक विशेष सूचना, दुर्घटनाग्रस्त एक महिला को किडनी की सख्त जरूरत है। डोनर्स सिटी हॉस्पिटल से जल्द संपर्क स्थापित करें। टेलीफोन नंबर है 601-2131 और 601-2358। सूचना समाप्त। अफसोस, काश हम में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होता यार। पर तू फिक्र मत कर, ईश्वर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर भेजेगा जो माँ जी के काम आएगा। पूजा, सुधा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अश्विन की माँ का एक्सीडेंट हो गया, दोनों किडनीज बेकार हो गई। अगर उसे किडनी नहीं मिली तो वो बेचारी नहीं बचेगी। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। बहुत घमंड था ना उसे अपनी दौलत का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए सुधा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब भी कुछ लोगों ने ऐसा ही कहा था, तब तुम्हें कैसा लगा था? हाँ मम्मी, हर आदमी का कर्म उसके साथ जाता है, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें। शाबाश बेटी। बेटी मेरे कपड़े निकाल, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा।
शायद मरने से पहले एक पुण्य का काम मेरे मुकद्दर में लिखा हो। पापा मैं भी साथ चलूंगी। हाँ हाँ बेटी, इस अपाहिज को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई तो चाहिए। और मुझे छोड़कर चले जाओगे तुम लोग? अरे तुम्हें किसने रोका है, तुम भी साथ चलो। मैं कितनी बदकिस्मत हूं अश्विन, मैं किसी के काम नहीं आ सकी। मेरा ब्लड ग्रुप आंटी के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। ये बदकिस्मती तुम्हारी नहीं है लिली, बदकिस्मती तो हम लोगों की है। आप में से मिसेस पोरस सुंदरलाल? जी मैं हूं। हाँ, बैठे। आपका ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है, आपको एतराज तो नहीं है? जी नहीं। फॉर्म कौन साइन करेगा? जी मैं करूंगा, मैं ही इनका शौहर हूं। अच्छा, यहां। थैंक यू, फॉलो मी। Give this to the counter now. Okay, sir. Aye. Ashwin, congratulations. The operation is successful 100%. Thank you, Doctor. Mm-hmm. Your wife is also okay. Thank you, Doctor. Happy? Thank you. अब तो खुश हो जाओ, कुछ मिठाई विठाई खिलवा। हाँ क्यों नहीं, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी मुनीम के होते हुए, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। अच्छा चले लाना। डॉक्टर ये इंजेक्शन आपने मंगवाया था। मोनोसेव 1 ग्राम, मैकासिन 500 mg, राइट। बोथ दीज, वंस इन द मॉर्निंग वंस इन द इवनिंग, ओके? एंड सेम फॉर हर, राइट? जानती हो पूजा, मेरे पापा मुझे हिंदुस्तान क्यों लाए? वो मेरी शादी अश्विन से कराना चाहते थे। यहां आकर अश्विन को मैंने अपना सब कुछ मान लिया, मैं उसे बेहद प्यार करने लगी। लेकिन कल 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 क्या हुआ लिली? कल मेरे सपनों का महल टूट गया जब मुझे पता चला कि अश्विन मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। हालांकि हम दोनों उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसका फैसला तुम्हारे हक में है। आई एम सॉरी लिली। इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तो सिर्फ अमेरिका जाने से पहले तुम्हारी नजर में ये बात साफ कर देना चाहती थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो दूसरे का प्यार छीनकर उसे अपने गले का हार बनाना चाहे। फैसला तो हम लोगों के हाथ में नहीं है लिली, फैसला तो अश्विन की मम्मी के हाथ में है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अश्विन तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। अब देखना यह है किसके भाग्य में क्या लिखा है। सो नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स।
Good. Congratulations. आपको नई जिंदगी मुबारक हो. Thank you so much, doctor. Don't thank me. Mrs. Oberoi, आपको शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए जिन्होंने आपको नई जिंदगी बख्शी है, जिनकी एक किडनी पर आप जिंदा हैं. वो जरूर मेरा बेटा ही होगा. I'm afraid not. तो फिर? फिर? You were fighting for life. आप जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई थीं. ये एक इम्तिहान था, आपके लिए भी, हमारे लिए भी. और तब अचानक एक औरत आई और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच हो गया. औरत? कौन थी वो औरत? मिसेस पोरस सुंदरलाल. सुधा, तो यूं ही 50,000 की हीरे की अंगूठी है इतनी? अच्छा, बेटी के इतने करीब रहते हुए भी आपकी नजर उसके हीरे की अंगूठी पर नहीं पड़ी, या आपने नजर पड़ने नहीं दी? मेरी बुराई का इशारा दिया उसने. कोई ताज्जुब नहीं, दुनिया में ऐसी अनहोनी होती रहती है. डॉक्टर साहब, क्या मैं घर जा सकती हूँ? Well, वैसे तो आप कल डिस्चार्ज होने वाली थी, बट ऐसी कोई बात नहीं है. यू आर परफेक्टली फिट. आप चाहे तो आज जा सकती हैं. अभी गुड लक. मॉम, आप तो कल घर आने वाली थी. सुनो बेटा, तुम जाके डॉक्टर से मिलो. और दुबे जी, जी आप जाके अकाउंट्स क्लियर कीजिए. ठीक है. मुझे एक जगह जाना है, जरूरी काम है. ठीक है मामा, आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, ड्राइवर भी वही है. मामा को ऐसी कौन सी जगह जाना है? अरे भाई, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मंदिर जाएंगी, माथा टेकेंगी. तैयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर. आप? लेकिन इस एहसास को मैं कैसे चुकाऊंगी? इंसानियत के रिश्तों में एहसान चुकाए नहीं जाते हैं. पूजा आओ बेटी, मैं तुम्हें लेने आई हूं. जाओ बेटी. नहीं नहीं, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है मेरी बेटी. लैला मजनू अंजाम मौत, श्री फराद अंजाम मौत, ही रांझा अंजाम मौत, अश्विन पूजा अश्विन पूजा अश्विन पूजा. हाँ, ये डायलॉग तो मैं नहीं भूला. अंजाम शादी यानी खाना आबादी.
Ha ha ha.